हरियाणा में जलाभिषेक यात्रा पर मुस्लिमों का हमला, होमगार्ड समेत दो की मौत, ऐसी खबर जब अखबार में आती है तो विश्वास नहीं होता कि लोगों को हो क्या गया है। हरियाणा में नुह में एक नुह नाम का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ जलाभिषेक की यात्रा निकाली जाती है हर साल, बरसों से यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन कल क्या हुआ, कल मतलब सोमवार को कुछ मुस्लिम 200 के आसपास युवक थे, उन्होंने पिछले 4-5 दिनों से प्लानिंग की कि सोमवार को जो यात्रा निकाली जाएगी उस पर हमला करेंगे, और उस पर हमला कर दिया, कई दर्जनों फायरिंग की, पथराव किया, एक होमगार्ड जो पुलिस से होता है उसको मार दिया, गोली लगी उसके, 2-3 लोग और मारे गए, लगभग 40-50 सरकारी और निजी वाहनों को जला दिया गया। आप सोशल मीडिया पर न्यूज़ पर जाके देख सकते हो, मैं वो बहाव है दर्दनाक चित्र नहीं दिखा सकता। ये क्या है, आप एक तरफ कहते हो कि सरकारें हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जुड़ी हुई हैं, सरकारें मुस्लिम विरोधी गतिविधियां कर रही हैं, ऐसा एक भी महीना वर्ष के 12 महीनों में आप एक ऐसा एक भी महीना दिखा दीजिए जिस महीने में मुस्लिम संप्रदाय के द्वारा हिंदू विरोधी गतिविधियों में हिंसक प्रवृत्ति के माध्यम से कोई आंदोलन, कोई उपद्रव या कोई तोड़फोड़ नहीं की जा रही हो। भाई ये सावन का महीना, कांवड़िया, भगवान शंकर का जलाभिषेक, ये हिंदू धर्म की नींव है, ये हिंदू संस्कृति की जड़ है। आप इसको अगर अव्यवस्थित करोगे, आप इस पर अगर हमला करोगे तो आप वास्तव में संकट में हो, आप वास्तव में बेचारे हो, आपकी सोच विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली हो गई है। आप एक भी हमला हिंदुओं के द्वारा ऐसा दिखा दो जहां आपके तीज त्योहारों में, आपकी ईद में, आपके मुहर्रम में कहीं भी हिंदुओं के द्वारा हिंसक प्रवृत्ति दिखाई गई हो, ये फिर क्या है। बरेली उत्तर प्रदेश में एक कांवड़ियों का समूह जा रहा था, एक बेचारा कांवड़िया पीछे रह गया, उसको 6 मुस्लिम युवकों ने घेर लिया, उसे गाली दी, उसने विरोध किया, उसे पीटा। भाई तो हमारे कांवड़ियों को पीट रहे हो भाई, थोड़ी सी तो, थोड़ा सा तो रहम करो जीने के लिए, कोई कैसे माफ करे तुमको, कैसे। ये अन्याय है, ये अन्याय, ऐसा मत करो मुस्लिम भाइयों, ऐसा मत करो। अमेरिका के द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, अमेरिका में एक मुस्लिम लीग को चलाती है एक संस्था है, उसने ट्वीट किया है और उसे बढ़ावा दिया है हिंसक प्रवृत्ति को। अखबार में ही आया है, पिछले 5-6 दिनों से सोशल मीडिया पर जो आतंक मचाया जा रहा था, जो साजिशें रची जा रही थी, सरकार पता नहीं किस प्रकार, कभी कभी तो डर लगता है कि हो क्या रहा है, कभी कभी सरकार पर भरोसा नहीं होता कि सरकार क्या खुद बढ़ावा दे रही है इन सब चीज़ों को। कभी कभी लगता है यार सरकार बढ़ावा दे रही होती तो ज़्यादा दिन नहीं चलता ये आंदोलन, किसी भी राष्ट्र की सरकार, जैसे पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान को आप देखो, वहाँ कोई भी हिंदू आंदोलन हो सकता है, वहाँ कोई भी हिंदू अपनी बात रख सकता है। अर्थात किसी भी राष्ट्र में कोई अगर विपरीत भावना का संप्रदाय अगर रह रहा है, ये माना जा रहा है कि इस भावना, इस संप्रदाय से, मुस्लिम संप्रदाय से हिंदुओं को कहा जाता है कि हिंदू खुश नहीं है या हिंदू नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में रहें, तो क्या सोच के देखो, अगर हिंदुस्तान की सरकार चाहे तो क्या मुस्लिम इस राष्ट्र में रह सकते हैं। अगर रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं सहिष्णुता के भाव के आधार पर रह रहे हैं, कहीं ना कहीं संविधान को सरकार प्राथमिकता दे रही है। आपको भटकना नहीं है भाई, ये गलत भटका जा रहा है, इसको सुधारने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अमेरिका से संचालित इंडियन अमेरिकी मुस्लिम काउंसिल ने ट्वीट कर मेवात अर्थात नुह में संप्रदाय विशेष के लोगों को भड़काने का प्रयास किया। सोशल मीडिया पर कुछ संदिग्ध लोगों ने भी साजिश लगाई है, जैसे कि एक नाम आता है हरीश
रईस खान रंगालिया, रंगालिया ने पोस्ट की कि कुछ देर में नूह में इंशाल्लाह, इसका भाव था कि आंदोलन होगा कुछ देर में। कल सोमवार जब आंदोलन 1-1.30 बजे शायद होना हुआ था, ये जो हिंसात्मक विद्रोह हुआ था इसे 1-2 घंटे पहले ही, कुछ देर में इंशाल्लाह। दूसरा है मोहम्मद सबीर खान, इसने कहा मोनू सोनू आजा, मेवात में तेरे स्वागत में ऐसी प्याज कुटेगी फिर कभी जुड़ नहीं पाएगी। ये मोनू सोनू कौन है? ये बजरंग दल का एक व्यक्ति कहा जाता है। इस पर आरोप है कि इसने कुछ साल पहले, शायद मेरे पास डाटा पूरा नहीं है, कुछ साल पहले इस पर एक आरोप लगा था कि इसने कुछ मुस्लिम दो एकाध युवकों की हत्या कर दी थी। शायद वो कन्हैया वाला केस था, जो कन्हैया हत्याकांड हुआ था उससे संबंधित कोई बात थी। कुछ भी है, मुझे इसका पूरा डाटा नहीं पता, लेकिन ये मोनू उसी का नाम है। ये मुस्लिम युवक उसको चैलेंज दे रहा है कि तू इस यात्रा में आ, तेरे लिए ऐसी प्याज कुटेगी। मतलब ये विद्रोही शब्द है, एक तरीके से विरोधी शब्द है, इसको अंडरलाइन करना चाहिए। सीबीआई ने ऐसे बहुत से सोशल मीडिया से खबरें निकाली और कहा। ओवरऑल दोस्तों बात यह है कि ऐसे अगर सांप्रदायिक हिंदी आप दंगे आप करते रहोगे तो कब तक चलेगा? कांवड़िए हों या हिंदू मंदिरों में बम लगाना हो या हिंदू पर्वों पर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देना हो, तो कब तक हिंदू सहेगा? कब तक सहना दोनों को ही होगा, हिंदुओं को भी सहना होगा, मुस्लिमों को भी सहना होगा। ये बहुत आवश्यक है। मुस्लिम संप्रदाय पूरा बुरा नहीं है। मुस्लिम संप्रदाय का आप ध्यान से देखो, युवा कर रहा है इस कारनामों को। युवा मतलब है, युवा अब तक का जो युवा है मुस्लिम संप्रदाय का, वो 90% युवा अनपढ़ है। ये भी नहीं कहा जाएगा कि अनपढ़ मुस्लिम युवा ही ये सब आतंकवादी गतिविधियाँ करते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे बहुत से आतंकवादी, अधिकांश आतंकवादी पढ़े लिखे पाए जाते हैं। लेकिन जो ये देश के अंदर की जो ये गतिविधियाँ हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं अनपढ़ युवकों द्वारा ही कराई जाती हैं। और उसका मेन कारण है कि उन्हें भड़काया जाता है कि हिंदू आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, जो कि ऐसा है नहीं भाई। परिणाम कुछ भी हो, देश संकट में है। हिंदू मुस्लिम संघर्ष अगर ऐसे ही चलता रहा, और पिछले कुछ दिनों से तो बहुत बड़े स्तर पर बढ़ रहा है, तो देश के लिए वास्तव में खतरा है। और कहते हैं कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सालों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। दोस्तों आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी हो, आपकी व्यक्तिगत भावनाओं से परे देश नहीं हो सकता कि देश से ऊपर आपकी व्यक्तिगत भावनाएं हो जाएंगी। दोस्तों इस देश की संस्कृति, इसका आधार है जो सनातन है, उसको स्वीकारना ही होगा। बात हिंदू मुस्लिम की है ही नहीं। अगर हिंदू भी ऐसे हैं जो मुस्लिम विरोधी भावनाएं फैला रहे हैं, वो भी गलत कर रहे हैं। हिंदुओं और सनातन की कभी ये आदर्श नहीं रहे कि उन्होंने कभी किसी पर हमला नहीं किया, कभी किसी पर कटु वचन नहीं बोले। ऐसे ही मुस्लिमों को भी हिंदुस्तानी बनना ही होगा, और हिंदुस्तान के लिए जीना ही होगा। और हिंदुस्तान हिंदुस्तान की जनता से बनता है। आप उस जनता की सांप्रदायिक या सांस्कृतिक भावनाओं को आहत करोगे तो आप देश विरोधी हो, आप देश की शांति के विरोधी हो, चाहे आप किसी भी धर्म या संप्रदाय के हों। दोस्तों आप युवा हो, आप समझदार हो, आपसे उम्मीद करता हूं कि आप समझोगे और इस देश को प्राथमिकता दोगे। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।